अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जेंट्स की सलवार काटने का तरीका सिखाऊंगा। सो कि इसका जो अरज है वो बड़े अरज में कपड़ा है, कि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि बड़े अरज में सलवार कैसे काटें। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि इसके जो किनारे हैं इसको आप बराबर करके इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख दें, ठीक है। उसके बाद आप इसको कपड़े को जो है इसको फोल्ड कर दें, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है थोड़ा देख रहे हैं आप, थोड़ा आगे पीछे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल भी बैलेंस में काटना है, बिल्कुल बैलेंस में काटना है। अगर आप इसको बैलेंस में नहीं काटेंगे, जब आप इसका ऊपर से नेफा बनाएंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सो सही नहीं बनेगा। उसका आपको ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल सीधा ही काटना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करके ऊपर से सबसे पहले इसको सीधा कर लें आप। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसको बिल्कुल सीधा काटना है। उसके बाद अभी आपको बता दूँ इसकी जो मेजरमेंट है वो है 38 इंच लंबाई इसकी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि इसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से आपको 3 इंच ज़्यादा बढ़ा लेना है, मतलब कि 38 इंच है तो 39, 40, 41 इंच हमको काटनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद आप उसको यहाँ पर निशान लगा लें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैंने 41 इंच का निशान लगा दिया इस पर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा काट लेना है। छोड़िए, इसको हम दूसरा निशान भी लगा देते ताकि पहला सीधा बराबर हो। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए निशान दोनों लगा दिए मैंने। अभी आपको इस पर इंची टेप रख कर इसको बिल्कुल ही सीधा काट लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमने इसका पाचा काट लिया। अभी आपको क्या करना है, इसको आप इसको उल्टा कर दें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख देना है, ये यहाँ पे जो ये कपड़े आप देख रहे हैं ये 2 पीस हैं, इसको आपने साइड पे इस तरफ से इसको पलटी करना है, और ये बार से यहाँ से डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा इसको आप ऊपर की तरफ रख दें। और अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर पाचा इसको निशान लगा दें। सबसे पहले उसका जो पाचा का हमने काटना है वो 8 इंच है पूरा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको 9 इंच का निशान लगा देना है, क्योंकि 1/2 इंच हम सिलाई पर लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको निशान लगा दिए। उसके बाद आप इसको खोल दें कपड़े को, ठीक है। फिर आप उसको थोड़ा सा यूँ फोल्ड कर दें, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अभी इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके साइड पर रख दें, ठीक है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, इसको फोल्ड दें कपड़े को, तो यहाँ तक इसको आप बिल्कुल ही बराबर रखना है जो हमने निशान लगाया पाचे का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये कपड़ा पकड़ लेना है। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है इसको हम 20 इंच का निशान लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर जो हमने पाछे का निशान लगाया था इसको आप बिल्कुल सीधा काट लें,
ठीक है दोस्तों, ये तो देख रहे हैं मैंने ये जो अभी काटा है इसको कली बोलते हैं सलवार की। ठीक है, ये चार कलियाँ रखती हैं इसमें, ये एक मैंने काट दी है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इसी कली को दूसरे कपड़े पर रखती हैं। ये देखिए मैंने ये आपको दिखा दूँ, मैं ये देखिए जो पाचा जो है, ठीक है ये देखिए ये मैंने कट लगा दिया है। ठीक है, अभी ये जो कली है बिल्कुल इसी के साथ ही लगेगी, ये पाचा आपकी जो है यहाँ से इसको हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर इसे ज्वाइंट होगी और यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो हमने काट दिए हैं। अभी क्या करना है, इसको आप पाचे का इसका काम नहीं है, अभी इसको आप साइड में कर दें। ठीक है, अभी ये जो कली एक जो हमने बीच में से यहाँ से काटी है, अभी आपको क्या करना है इसका, ये देखिए ये जो है इसको आप इसको दोनों कट्स को जो है बराबर कर दें। ये देखिए, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको नोक तक बराबर रख दें और ये जो आगे पीछे कपड़ा है इसका मसला नहीं है, ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आपको पकड़ के उसके बाद आप इसको बिल्कुल ही इसको सीधा कर लें और दो गलियाँ हमें क्या करनी है और काटनी है। ठीक है, अभी ये देखिए ये मैंने इसको ऊपर रख दिया है, ये देखें। ठीक है, ये दो ऊपर से दोनों बराबर करके बिल्कुल आपको बराबर रख देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको सीधा लगाना है। ठीक है, अब इसको ये कपड़ा जो है इसमें से हम कॉलर वगैरह पट्टी वगैरह ऐसे निकालेंगे, ये उनको बचाना है लाजमी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने नीचे से काटा हुआ है देखें, ये देखिए ये नीचे से हमने काटा हुआ है, अभी आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल ही जिस तरीके से हमने पहले कली काटी थी उसी लेवल से आपको दूसरी भी काटनी है। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा खोलते रहते, सलवार काटना तो बिल्कुल ही आसान काम है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चार कलियाँ हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये है, ये दो कलियाँ हैं नीचे डबल है, ये इसको आपने बीच में कट लगाना है। तो दोस्तों ये था सलवार काटने का तरीका, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसे भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको इनबॉक्स में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।